लास्ट क्वेश्चन जी, 25 तारीख ही क्यों चुनी गई है इस त्यौहार के लिए? इन माय हार्ट इज एवरीवेयर दैट आई एम देयर, योर होम इज इन माय हार्ट. सो दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड, ऑल डिविनिटीज, ऑल गॉड्स टू देयर पीपल हु आर. थोड़ा हिंदी में समझा दीजिए जो आपने ये बोला. हाँ, मैंने बोला कि ये नहीं है कि क्रिश्चियन ही यहाँ पे आते हैं, हर प्रकार मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारा में जैसे भंडारा लगता है तो यहाँ पे भी लगाते हो आज यहाँ. राम राम भाई, सारे भाइयों में आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज. दोस्तों आज है 25 तारीख 25/12/2023 और आज जो है भाई जो है क्रिसमस डे जो है. फिलहाल जो आप खड़े हैं भिवानी, भिवानी तो इस साइड एक चर्च घर है, दिखाओ जी एक बारी. ये चर्च घर है और आज का दिन भाई आड़े लड़ी लगाई गई है, फूला त सजाया गया है, जो है मोमबत्ती कैंडल जो है भाई दुकान लगी हुई है और इस साइड जो है ड्रेस सेंटा क्लोज की जो है ड्रेस इस साइड आपने जो है देखने मिल जाएगी. ये मुकुट है ये आप देख सको हो और मोमबत्ती भी है और ये पूरा मुकुट है, ये देखो आप, ये मुकुट है. वाह जी वाह, कर रुपया का दे जी हो, कर रुपया का दे, 50 रुपया का दे हैं. और ये मोमबत्ती 10 की 2 आई है, 10 की 2 है. और अंदर के माहौल है किस तरह तक जो है भाई, अंदर जो है भाई पूजा है किस तरह तक जो है, मन्नत मांगी जा है. आखिर जो पेड़ है उसको ऊपर जो लाइट वगैरह लगाई जा है, सजाई जा है, जो सेंटा है वो गिफ्ट भी दे है, वो के हो है सारी चीज़ें वो भीतर चाल के बुझ जाएंगे. राम राम अंकल. राम राम. आप मम्मी ड्यूटी है? हाँ. अच्छा, राम राम. हाँ भाई, ड्यूटी दे हाड़ है. अच्छा, हाँ. तो कितनी भीड़ भाड़ हो जाए? भीड़ तो काफ़ी हो जाएगी, 9-10 बजे तक जी बहुत वो. अच्छा, जन्म में भी बहुत ज़्यादा भीड़ है. 10 बजे तक प्रोग्राम चल लगा, ये प्रोग्राम 10 बजे तक चल लगा. 10 बजे तक जो है भाई प्रोग्राम चल लगा. इस साइड भी मैं कहूँगा, एक बार दिखा दो, एक मेला जो है लगा हुआ है ये आप देख सको हो और भीतर चाल के जो है आप तो दिखावांगे. हाँ जी, हाँ जी. अच्छा बताओ जी. हाँ जी, बहुत बढ़िया बाबा प्रोग्राम चल रहा है, लोगों की बहुत बढ़िया श्रद्धा जुड़ी हुई है, हम भी बहुत खुश है, दर्शन भी कर रहे हैं, सामान भी बेच रहे हैं अपना, आनंद उठा रहे, सेवा भी कर रहे हैं. चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ और अंदर चल के जो है बात करेंगे. चर्च घर के जो है अंदर आगे हैं, ये आप देख सको हो कितनी सुंदर जो है भाई सजावट जो है कर रखी है. छोटे छोटे जो है बच्चे भी आ रही हैं. गुड़िया, कहाँ से आए हो आप? राय चोपटा, भिवानी. भिवानी से. अच्छा, दो मारे? हाँ. नहीं, कैमरा क्या है ना के सारे देखेंगे. नहीं दिखाने. नीमली भी जा गया सर. ना के अच्छा, तो वैसे आगे थे. नाम ले रखे हैं? नहीं, वैसे ही आगे थे, बस गुड़िया ने जिद्दी कर ली कि चलो मम्मा ना जाना चाहिए. बढ़िया माहौल लगा है. हाँ सही है. और कौन आ रहा है? आप दोनों आए हो? हाँ, दोनों आए. अच्छा, इसको डांस क्लास लेके गई थी मैं. अच्छा, फिर बोली मम्मा दिखा दो. अच्छा, देख लो भाई. ना ठीक, क्या दिक्कत है ना? सही बात है, आना चाहिए. हाँ चलो ठीक है. नमस्कार जी. अच्छा, क्या नाम भाई, नाम बताओ. दीपांशु. और नाम क्या बता? दीपांशु. और आपका नाम बताओ? कृतिका. और आपका? समीक्षा. सानवी जी. अच्छा, कैसा लगा यहाँ का माहौल? अच्छा. अच्छा लगा. अंदर गए थे? या. क्या देखा अंदर? अंदर बहुत कुछ देखा. अच्छा, गिफ्ट मिला? नहीं, नहीं मिला. अच्छा अच्छा, मैम यहाँ पे सेंटा भी बनाया हुआ है क्या कोई, या वैसे ही अंदर? अभी नहीं है. अच्छा, मे बी जब स्टार्ट होगा तब आएगा सेंटा. अच्छा अच्छा, मतलब अभी प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ है? नहीं, अभी नहीं है. शाम को होगा? शाम को. शाम को जो है भाई प्रोग्राम होगा. मैम नमस्ते. क्या नाम है? नितिका. अच्छा, यहाँ कब से आ रही हूँ? मैं तो बहुत टाइम से आ रही हूँ. अच्छा,
जो ये सेंटा जो है बनाते हैं और जो है एक पेड़ के ऊपर सजावट करते हैं, ये क्यों करते हैं, क्या रीति रिवाज होती है? ये यहाँ का है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे जो बस शो ऑफ के लिए कि सब लोग देखेंगे कि तो सब आ जाते हैं देखने। यहाँ का है नहीं तो होना भी नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा नहीं करते तो हैं, वैसे करते तो हैं यहाँ पे। इन लोगों का होगा ना जो एक यहाँ पे पार्ट है, सब लोग पहले कोई नहीं आता था, अब भी आने लगे, अब ट्रेंड स्टार्ट हुआ है तो अब सारे आते हैं। आना चाहिए या नहीं देखने हैं, बच्चों को दिखाने ले आते हैं, बच्चों मनोरंजन चीज होते हैं। हाँ बच्चे थोड़े खुश हो जाते हैं। ठीक है आ जाओ। और इस साइड जो है मैं कहूँगा भाई जो है मोमबत्ती जो है लगाई जा है, ये आप देख सको हो, यहाँ पे जो है मोमबत्ती लगा के जो है मन्नत मांगी जाती है। और इस साइड भी जो है भाई चाय। मैम नमस्ते, मैम आपका परिचय? मैं हूं जी डॉक्टर रश्मि बजाज जी, प्रोफेसर रश्मि बजाज जी। तो डॉक्टर साहब मिल गए हैं, और ये बच्चे हैं? नमस्ते भाई, ये स्टूडेंट्स हैं। नमस्कार जी। नमस्ते। अच्छा मैम आप अंदर गए, अंदर क्या माहौल था, मतलब किस तरह का माहौल था अंदर? अच्छा माहौल था जी, जैसे अभी क्रिसमस का भी अपना ओकेजन है, तो जो भी आ रहा है वो भक्ति के उसमें आ रहा है, डिवोशन में आ रहा है। जी जी जी। और मुझे लगता है कि जैसे छोटे बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं तो अच्छा है अगर वो इन ट्रेडिशन से फैमिलियर होते हैं, और अपना कंट्री तो वैसे भी सब रिलीजन्स वाला कंट्री है। बिल्कुल। तो यहाँ पर मैंने देखा कि सिर्फ वो नहीं है, एक पर्टिकुलर रिलीजन के ही नहीं है जो कि इस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, सब रिलीजन वाले जो हैं वो भी आ रहे हैं, वो भी अपने यहाँ पर प्रेयर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल जो है भिवानी का अपना चर्च सेटअप कर रहा है जी मैम। हाँ जी। मैम जो मोमबत्ती लगाते हैं, कैंडल लगाते हैं, और जो एक पेड़ के ऊपर सजावट होती है, मतलब क्या रीति रिवाज होती है, थोड़ा बताओ। देखिए डेकोरेशन तो ये है कि जैसे और फेस्टिवल्स में भी ये है कि डेकोरेशन करके चाहे दिवाली हो या कोई और, वी एक्सप्रेस द जॉय, तो वो जॉय है। और ये कैंडल लाइट जो है, कैंडल लाइट तो दुनिया के लिए प्यार की लाइट है, नॉलेज की लाइट है, तो जैसे और त्योहारों का है वैसे ही यहाँ भी सिग्निफिकेंस है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैम भिवानी में कितने क्रिश्चन हैं? बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। नॉट टू मैनी, और जो हैं वो भी ऐसे रिकॉर्ड में नहीं है। अच्छा, कि कितने हैं क्या हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये बड़ा वो है कि आप देखेंगे तो फ़र्क नहीं लगता, वो भी वैसे ही लगते हैं, क्योंकि वो लोग अपने, ये बहुत एक अलग फिनोमेना है यहाँ का जो हिंदू क्रिश्चियन है, उसको हिंदू क्रिश्चियन में बोलूंगी, वो अपने भी फॉलो कर रहा है हिंदू वाले भी रीति रिवाज, और वो उनके भी कर रहा है, एक बड़ा एक सुंदर मिक्सचर। इंडिया की जो एक मिली जुली सिविलाइजेशन है ना, वो गंगा जमनी वाली पूरी सिविलाइजेशन ही वो है कि आपको बिंदी लगाए भी मिल जाएंगे, हिंदी भी बोलेंगे और बाकी सब कुछ भी करते हैं। कई एक ऐसे हैं जो तुलसी पूजा है आज, वो तुलसी पूजा भी करके आए हैं और शाम को इधर आए हुए हैं। तो एक नए किस्म का जो मैं देखती हूँ आज के उसमें कल्चर, ये एक बड़ा अलग किस्म का और बहुत सुंदर क्राइस्ट का मैसेज जो है वो लव का मैसेज है, लव दाई नेबर, लव द वर्ल्ड, कंपैशन और लव, और इसकी बहुत ज़रूरत है आज दुनिया को जी। तो ये बहुत सुंदर त्यौहार उस तरह से एक मिला जुला सामने आ। बिल्कुल। मैम मन्नत मांगते हैं तो जैसे तो ये पूरी होती है मैम, जैसे मैंने सुना है पूरी होती है मन्नत, ऐसा कुछ? देखिए ये सब मन माने की बात है, होती भी हैं नहीं भी होती हैं, पर मुझे लगता है उसको हमें भगवान के अपने विश्वास से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम माने तो हमारे वो कर्मज पहले के आगे पीछे के भी होते हैं, तो उसमें हो भी जाती हैं पूरी ज़्यादातर, कभी नहीं भी होती हैं, तो उसको भगवान के विश्वास से और उससे लिंक नहीं करना चाहिए, मैं आज के ज़माने के हिसाब से ये बताऊं। जी मैम जी, लास्ट क्वेश्चन जी, 25 तारीख ही क्यों चुनी गई है इस त्यौहार के लिए? 25 तारीख ऑल ओवर द वर्ल्ड माना ही ये जाता है क्राइस्ट के बर्थडे से जो रिलेटेड है ना, बर्थ से वो यही माना जाता है शुरू से। हाँ जब से स्टार्ट हुआ तो दैट वॉज द डेट वेन ही वॉज बॉर्न। चलो धन्यवाद। आपको मैं दो लाइनें कहना चाहूंगी जो क्राइस्ट आज दुनिया को बोल रहे हैं जी। ये क्राइस्ट सेज टू द वर्ल्ड इन टुडेज वर्ल्ड, योर होम इज इन माय हार्ट, इन माय हार्ट, माय हार्ट इज एवरीवेयर, एवरीवेयर, wherever you may wander, you may wander, I will always be there, just know that I'm there, just know that I'm there, your home is in my heart is very strong,
very strong. When you are feeling lonely, feeling lonely, I'll carry you along, I'll carry you along. So this is the promise of God, all divinities, all gods to their people who are there, to the devotees who are there. So devotee, whoever loves God in any form, is always safe, secure, love, peace and joy. They also get and they also spread in the world. Merry Christmas. मैम थोड़ा हिंदी में समझा दीजिए जो आपने ये बोला। हाँ, मैंने बोला कि इस प्रार्थना में ये है कि भगवान कह रहे हैं कि मैं हर जगह हूँ, जब भी तुम अकेले होगे तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा और तुम्हें संभालूंगा, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा जो शांति है और तुम्हारा आनंद, तुम्हारा प्रेम, वो मेरे से तुम्हारे जीवन में जाएगा और तुम उसको और आगे फैलाओ। जी चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके जी, मेरी क्रिसमस जी। चलो नमस्कार जी। तो भाई ये इंसान आपने जो है देखने मिल जाएंगे, जड़ा भी प्रोग्राम हो है सिक्योरिटी के लिए ये जाने जाते हैं, तो आज यहाँ पे कैसा माहौल है, कितनी खुशी है? खूब खुशी, देख के पब्लिक को ज़्यादा आने लग रही है, हमको भी मिल रहा है रोजगारी से। सिक्योर चलो, बस अच्छी बात है, इतना बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, तो भाई हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो, तो यहाँ पे जो है देख रेख करते हैं सर। नमस्कार सर, अपना परिचय। मेरा नाम चंद्रसेन जी, मैं इसका बैप्टिस्ट चर्च का सेक्रेटरी नहीं, मैं खजांची हूँ। सेक्रेटरी हमारे मिस्टर साइमन जोसवा हैं। हाँ हाँ, और प्रेसिडेंट हमारे इमानुएल कारपेंटर हैं। जी जी जी। हाँ सर, ये कब से बना है, कब से यहाँ पे जो है मना रहे हैं? 100 साल पुराना ये विभाग। 100 साल पुराना है? पुराना। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ पर हर साल ये दिसंबर प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन हर साल मनाया जाता है, जो अपन लोगों का आज के टाइम में थोड़ा उसके मीडिया के द्वारा थोड़ा प्रचार होने लगा, इसलिए लोगों का ज़्यादा भीड़ होने लगी है। अच्छा अच्छा, पहले ऐसा नहीं था। अब कैंडल लगाने का जैसे बच्चों को ज़्यादा शौक है, यंग पीढ़ी अपनी मनोकामना करने के लिए या अन्य प्रकार से। ये नहीं है कि क्रिश्चियन ही यहाँ पे आते हैं हर शाम, इस समय तो नॉन क्रिश्चियन ही आते हैं जितने भी आते हैं। अच्छा अच्छा, क्रिश्चियन तो सुबह 11 बजे जो प्रेयर का टाइम था वो आ चुके हैं अपने। अच्छा। अपने देश के लिए, अपने स्टेट के लिए। हाँ। सुचारू रूप से शांति से चलने के लिए, शांति बनी रहे। हाँ। वो जो खास तौर से प्रेयर करते हैं वो 11 बजे हमारी हो चुकी है। अच्छा, जो हमारे पास्टर, जो हमारे पास्टर प्रकाश मसीह है। हाँ। वो अपना संदेश दे चुके हैं। वो सुबह ही हमारा चर्च का टाइम 11 बजे का था, जो 2 बजे तक प्रोग्राम चले बच्चों ने दिए, वो सब हमारे दिन में हो जाते हैं। इस टाइम तो ये चर्च आम जनता के लिए, शहर के निवासियों के लिए, उनके लिए खुला, जो कैंडल जलाने के लिए यहाँ पे आते हैं जी। हाँ। तो किसी प्रकार के मतलब यार रोड़ा झगड़ा या ऐसा कुछ नहीं आज तक, ऐसा कोई नहीं। हाँ। प्रशासन मतलब कुछ शांतिपूर्वक शांति का, क्योंकि हमारा कम्युनिटी क्या है, हमारे क्रिश्चियन जो है शांति पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं, शांतिपूर्वक हैं, इसलिए क्योंकि सभ्य परिवार वो होता है, कम्युनिटी है, इसलिए कोई ये वो नहीं। और बाकी सरकार भी हमारी खूब मदद करती है, वो पर्सनल अपनी देख रेख रखती है जी। हाँ तो सर, भिवाड़ी में कितने क्रिश्चियन होंगे, मतलब कितने वोट हैं? नहीं, वोट की बात नहीं है यहाँ पे, हमारे बैप्टिस्ट चर्च का जैसे अलग अलग ग्रुप है, हमारे यहाँ 40 परिवार हैं। 40 परिवार हैं? हाँ परिवार। अच्छा अच्छा। हाँ, यानी कि हम 200 इसके मेंबर हैं यहाँ पे। अच्छा, 200 मेंबर। हाँ 200 मेंबर हैं, बाकी और भी हमारे न्यू चर्च साउथ इंडियन चर्च है यहाँ पे। हाँ। एक दूसरा प्रार्थना आशीष प्रार्थना सब भवन है, वो भी है। अच्छा। वो अलग अलग चर्च है। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो हमारा सबसे पुराना ये 105 साल बकायदा इसका जो पत्थर लगा हुआ है। हाँ, हाँ। 105 साल पुराना। हाँ, अच्छा, भिवाड़ी में कितने चर्च घर हैं? सबसे पुराना चर्च घर यही है, ये सबसे पुराना। सबसे पुराना और कितने? बाकी और तो दो, बाकी टोटल हमारे भिवाड़ी में 13 है। 13 है टोटल। 13 आज के टाइम में, आज के दिन में हमने जो रिकॉर्ड के हिसाब से एसपी साहब को सिक्योरिटी के लिए 13 की लिस्ट दी थी, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में और भिवानी जमालपुर हांसी तोसाम और भिवानी में अपने टोटल 10 हैं आज के टाइम। अच्छा, में अच्छा। चर्च छोटी छोटी जो अपने घरों में प्रेयर करते हैं। हाँ। वो हमारे जो पास्टर हैं लोग। हाँ। वो सब यहाँ पे जी। हाँ। जिस प्रकार मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारा में जैसे भंडारा लगता है, तो यहाँ पे भी लगाते हो? आज यहाँ भंडारे का प्रोग्राम था जो अपने 12:30-1 बजे शुरू हुआ। हाँ। और शाम को 4 बजे तक चलता रहा। अच्छा, अच्छा। उसमें शहर जो भी आए, कोई भी जो खाने का इच्छुक है। हाँ। वो अपने खा के
प्रेम संगति से बढ़ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। चलो तो भाई आपने जो है बात सुनी, सर ने जो है बताया कि 105 साल पुराना ये जो है चर्च घर है, या आप देख सकते हो मन्नत मांगने के लिए यहाँ पे जो है आते हैं। अंदर से सजावट मैं कहूँगा एक बारी दिखा दो, ये देखिए आप, ये जो है अंदर की उधर साइड खुला हुआ। अच्छा एक, हाँ चलो चलो उस साइड से जो है मैं दिखाऊंगा आराम से, साइड से अपने आ जाओ। हाँ जी, और इस साइड जो है कॉफ़ी, ये आप देख सकते हो। हाँ जी, कोई ना चाह ले लेंगे बाद में, जूते यही निकाल दे कर जा। तो अंदर का जो दृश्य है चर्च में हम जो हैं मौजूद हैं, ये आप देख सकते हो। कैमरामैन तो कहूँगा प्रॉपर तरीके से इनको दिखाओ एक बार आप, ये देखिए कितनी अच्छी जो है डेकोरेशन की हुई है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये देखिए आप, ये देखिए इस साइड, और कहूँगा मैं कैमरामैन से, ये देखिए कितनी अच्छी जो है सजावट यहाँ पे जो है की हुई है, ये देखिए। और जो मन्नत मांगते हैं यहाँ पे, ये देखिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जो मेरी धर्मपत्नी है सीमा, वो बली सुंदर जो है चर्च घर में आज हम चलेंगे और उसको मैं दिखाऊंगा, और सीमा जो है यहाँ पे जो है हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करेंगे। चलो सीमा जी, तो आप देख सकते हो सीमा को, सीमा का सपना भी था और आने का मन भी था कि मैं चर्च घर में जाऊं, और सीमा जो है हाथ जोड़ के और आंखें बंद करके जो भी भगवान से मांग रही हैं, क्या मांग रही हैं तो पता नहीं, लेकिन देखो मेरा भी बनता है कि जो सीमा के मन में है वो मैं पूरी करूं। ये देखिए आप, सीमा फोटो भी खींच रही है, ये देखिए आप। चलो तो सीमा से कहूँगा मैं भी एक बार प्रार्थना कर लूँ यहाँ पे, ये पकड़िए। Let's go to the market.